हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम। अगर आपने कनाडा टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, स्पाउस वीज़ा या किसी भी तरह की पीआर की एप्लीकेशन लगाई हुई है तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दो इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करनी है कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से जो रिसेंटली आउट हुई हैं। एक तो रिजल्ट की प्रोसेसिंग को लेकर है, क्योंकि हर एक बंदा अपने रिजल्ट की वेट करता है और नई एप्लीकेशन जिन्होंने लगानी है वो भी रिजल्ट की वेट करते हैं कि कितने टाइम में रिजल्ट आएगा। उसको लेकर एक शॉकिंग अपडेट है, क्योंकि कनाडा में जो नंबर ऑफ द एप्लीकेशन है डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। क्या है पूरी रिपोर्ट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दूसरा, कनाडा का एक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है एक्सप्रेस एंट्री, उसके बारे में आप सभी को पता है, उसके बारे में बात करेंगे। कनाडा ने कि IRCC ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है एक्सप्रेस एंट्री के रिगार्डिंग। क्या है वो स्टेटमेंट, क्योंकि ड्रॉ की वेट सभी कर रहे थे और फाइनली एक ड्रॉ आउट हुआ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो तो हमारा नंबर यहां पर फ्लैश कर रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। सबसे बड़ी अपडेट है जी बैकलॉग के रिगार्डिंग। बैकलॉग वर्ड कोविड से पहले किसी ने नहीं सुना था, क्योंकि उसके बाद नंबर ऑफ दी एप्लीकेशन लॉज हुई और IRCC ने अपनी प्रोसेसिंग स्लो कर दी। बैकलॉग के बारे में एक बुरी अपडेट है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, अब बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि मेरा रिजल्ट अब आए, कैसे काउंट होता है। IRCC ने एक डाटा शेयर किया है, उस डाटे के अकॉर्डिंग जो करंट एप्लीकेशन है 2.2 मिलियन IRCC के पास पड़ी है, इनमें से 13 लाख एप्लीकेशन है जो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग प्रोसेस हो रही है और नियर अबाउट 9 लाख के करीब एप्लीकेशन बैकलॉग का पार्ट है। अब सर्विस स्टैंडर्ड वो टाइम होता है जो आप IRCC की वेबसाइट के ऊपर चेक करते हो। फॉर एग्जांपल विजिटर वीज़ा का सर्विस स्टैंडर्ड टाइम 30 डेज है, तो विजिटर वीज़ा की मोस्ट ऑफ दी एप्लीकेशन है, ठीक है, वो 30 डेज के अंडर प्रोसेस हो जाती है। 20% जो एप्लीकेशन नहीं प्रोसेस होती उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है, वो बैकलॉग का पार्ट बन सकती है और उनको उससे ज़्यादा डबल टाइम भी लग सकता है, ट्रिपल टाइम भी लग सकता है। ये एक बड़ी अपडेट है। दूसरा, जो शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई है कि जो IRCC का टेम्परेरी रेजिडेंट एप्लीकेशन है उसका बैकलॉग इंक्रीज हुआ है इन दी मंथ ऑफ अप्रैल। सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि ओपन वर्क परमिट की जो एप्लीकेशन है वो लगना कम हो गई है, एक स्ट्रीम बंद हो गई है, तो डेफिनेटली बैकलॉग डिक्रीज होगा और बड़े नंबर्स में एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग होगी, बट ऐसा नहीं हुआ है। अप्रैल मंथ में मार्च में जो बैकलॉग था 5,38,000 के करीब था, बट उसके बाद इंक्रीज हो गया जी 10,000 एप्लीकेशन का। उसमें विजिटर वीज़ा भी है, उसमें स्टूडेंट वीज़ा भी है, उसमें जितने भी टेम्परेरी लोग आते हैं अप्लाई करते हैं वो है। तो अब आपका जो रिजल्ट है वो स्लो हो सकता है, क्योंकि IRCC ने जो प्रोजेक्शन की थी कि हमारा रिजल्ट का जो सिस्टम है, जब फाइल प्रोसेसिंग करने का सिस्टम है वो फास्ट हो जाएगा, अगर वो सोच रहे थे कि 100 एप्लीकेशन हम इतने टाइम में प्रोसेस कर देंगे तो उस टाइम में वो 70-80 जो एप्लीकेशन है उनको कवर अप कर पा रहे हैं, तो इसलिए अपनी जो प्रोसेसिंग है थोड़ी सी डिले हो रही है, अपना जो मूव फैक्शन है उस हिसाब से प्लान करें। दूसरी बड़ी अपडेट है एक्सप्रेस एंट्री रिगार्डिंग। एक मंथ से IRCC बिल्कुल साइलेंट थी, एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ नहीं आ रहे थे, डेली बेसिस के ऊपर लोगों की क्वेरी आ रही थी कि कब एक्सप्रेस एंट्री बैक टू नॉर्मल आएगा। आएगा भी, अगर आएगा तो कट ऑफ क्या होगी, ड्रॉ आएगा तो कैसा ड्रॉ आएगा, जनरल ड्रॉ आएगा, PNP स्पेसिफिक ड्रॉ आएगा या कैसा ड्रॉ आएगा। तो रिसेंटली IRCC ने ड्रॉ कंडक्ट किया है, PNP का ड्रॉ है, ठीक है, 2985 लोगों को इनविटेशन टू अप्लाई भेजे हैं रिसेंटली जो ड्रॉ कंडक्ट हुआ है, और इसमें जो CRSS 676 है, हम कैसे 676 पॉइंट्स आपको क्लेम करने पड़ेंगे अगर आपने इस इनविटेशन टू अप्लाई लेना है। यहाँ पर एसेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट के आधार के ऊपर पूछा गया था IRCC से कि क्यों ड्रॉ कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, तो इसके ऊपर IRCC ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। बड़ी स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने कहा कि हमारा प्लान है जो 2024 के लिए और 2025 के लिए जो भी इमिग्रेशन की नीड होगी, जिस सेक्टर में नीड होगी, जिस कैटेगरी में नीड होगी, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने ड्रॉ का जो साइज है उसको इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, और उस हिसाब से जो एक्सप्रेस एंट्री है
उसकी जो लेआउट है वो हम डिज़ाइन करेंगे और इसको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे पब्लिकली। ये एक बड़ी अनाउंसमेंट है, बट फाइनली एक सेक ऑफ रिलीफ है कि एक मंथ के बाद जो एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ है फाइनली वो IRCC ने कंडक्ट किया है। PNP स्पेसिफिक दो चीज़ें थी मेन, एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग डिले हो रही है, अगर अप्लाई करना है तो एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करें अपने ट्रैवल प्लान से, एटलीस्ट मोर देन 40-50 डेज अप्लाई करें तभी आपके लिए अच्छा होगा। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।